नमस्कार, मैं हूं कृतिका और आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। एक ऐसा त्योहार जो 4 दिन चलता है, कोई दंगा नहीं होता, ना ही इस त्योहार में इंटरनेट कनेक्शन को काटा जाता, किसी शांति समिति की बैठक भी करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, चंदे के नाम पर गुंडागर्दी भी नहीं होती और जबरन उगाही भी उसकी तो जरूरत ही नहीं होती, शराब की दुकानें बंद कराने का नोटिस भी चिपकाया नहीं जाता, मिठाई के नाम पर मिलावट परोसी नहीं जाती, ऊंच नीच का भेदभाव भी नहीं होता, व्यक्ति धर्म विशेष के जयकारे नहीं लगते, किसी से अनुदान और अनुकंपा की अपेक्षा भी नहीं रहती। राजा रंक एक कतार में खड़े होते हैं, समझ से परे रहने वाले मंत्रों का उच्चारण भी नहीं होता और नादान दक्षिणा का रिवाज होता। ढलते सूरज के साथ आपके जीवन की सभी परेशानी आपसे दूर हो जाए और ढलते सूरज के साथ आपके जीवन की सभी परेशानी आपसे दूर हो जाए और उदयमान सूरज की तरह आपके जीवन में नई नई खुशियों का आगमन हो। आपका मान सम्मान वैभव यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा हमेशा बढ़ती रहे। इसी बीच हम आपको लेकर चलते हैं रांची के प्राचीन स्वर्णरेखा नदी के छठ घाट पर और साथ ही रांची न्यू पुंदाक सेल सिटी के घाट पर, जहां हमने कुछ लोगों से छठ की महत्वपूर्णता को लेकर बात भी की। आपका नाम? तो आपको पहले तो छठ पर्व की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो विनोद जी, आपके घर में छठ कितने सालों से मनाया जा रहा है? ये मेरे घर में छठ पर्व जब मुझे याद भी नहीं है तब से मनाया जा रहा है। शायद सनातन संस्कृति का यह सबसे बड़ा त्यौहार है, जहाँ प्रकृति पर्व के साथ साथ हम छठी मैया और सूर्य की उपासना करते हैं और इसमें यह संदेश देते हैं कि हम प्रकृति के बिना हम नहीं रह सकते और प्रकृति की पूजा ही सबसे बड़ी पूजा है। और इसमें एक बहुत बड़ा संदेश ये भी जाता है कि हम हमेशा ये बात करते हैं कि लोग उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं या जो आगे बढ़ते हैं उसको लोग कद्र करते हैं, लेकिन इस त्यौहार के माध्यम से हम ये संदेश देते हैं कि हम लोग उगते सूरज के साथ ढलते हुए सूरज की भी उपासना उतनी ही श्रद्धा और उतने ही प्यार से करते हैं, उतने ही निष्ठा से। इसमें यह संदेश जाता है कि जितना महत्व उगते हुए सूरज का है उतनी ही महिमा डूबते हुए सूर्य भगवान की। सूर्य भगवान की उपासना के साथ छठी मैया का व्रत करते हैं, 4 दिनों का व्रत है और सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा त्यौहार। विनोद जी, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको बहुत शुभकामनाएं। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं इस छठ व्रत का पूरे देश को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। उगते सूरज को अर्घ्य देने की रीति तो आप सबने कई व्रतों में सुनी होगी, देखी होगी, लेकिन डूबते सूरज को अर्घ्य देने की परंपरा केवल एक व्रत में है। हिंदू धर्म में जागृत देवताओं में सूर्य और चंद्रमा की उपासना की जाती है और अमूमन उगते सूरज की और उगते चंद्र की पूजा होती है, लेकिन छठ एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें डूबते सूरज की भी पूजा का विधान है। बता दें, डूबते सूरज की पूजा के बाद अगले दिन छठ की व्रती उगते सूरज को जल देकर अपने व्रत को पूर्ण करती है, यानी एक छठी ऐसा त्योहार है जिसमें उगते सूरज और डूबते सूरज दोनों की उपासना की जाती है। आइए अब हम जानते हैं आखिर शाम के टाइम जो है, सायकाल में जो है, ये छठ की पूजा क्यों की जाती है, छठ में जो है सूर्य को क्यों अर्घ्य दिया जाता है। मान्यता है कि सायकाल में सूर्य अपनी दूसरी पत्नी प्रत्युषा के साथ रहते हैं, इसलिए छठ की अंतिम सूर्य की किरण प्रत्युषा को अर्घ्य देकर उनकी भी उपासना की जाती है, जिसे व्रती को दोहरा लाभ मिलता है। और बड़ी बात यह है कि जो लोग डूबते सूरज की उपासना करते हैं वे अगले दिन उगते सूरज की जो है उपासना जरूर करते हैं। इस बीच हम आपको दिल्ली के वजीराबाद से कुछ छठी जो जा रहे थे उनसे हमने मुलाकात की, आइए उनसे जो हमने वार्तालाप की है वो आपको हम दिखाते हैं। कर लिया आपने? हाँ जी। अर्घ्य दिया था शाम को आपने? हाँ। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। मनोकामना पिछले साल की पूर्ण हुई आपकी? जरूर पूरी हुई।
पूरी हो गई। मतलब आपको छठ पर्व में कुल मिला के सब चीज अच्छी लगी, अर्घ देकर आए, तो आपकी जो व्रती है उन्होंने भी व्रत रखा है आपके लिए। चलिए ठीक है, शुक्रिया।